देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार फ्रॉम द वॉक कढ़ाई में से। आज की थीम यही है और इसमें आलू की एक क्विक डिश और उसके बाद में नूडल्स हैं ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ में लेकिन अलग और क्रैप्स जी हाँ चिली क्रैप सिंगापुर में मिलते हैं बिल्कुल वैसे। तो ये आलू की डिश के लिए पहले प्याज काट लेते हैं। आलू हैं या प्याज हैं कुछ भी है उसके लिए ये लीजिए प्याज हरा प्याज ये हो गए और उसके साथ साथ फ्रेश रेड चिली ये काट लेते हैं। अब क्या करना है अब एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर ले। अब जो ढेर सारा तेल है उसमें हमने डालने हैं ये आलू। आलू को छील कर आप काट लें ज्यादा मोटा नहीं रखें और इसे डीप फ्राई करना है आपने। आलू पक रहे हैं अब ये जो प्याज है स्प्रिंग अनियन और इसे हम पका लेते हैं। और वॉक कुकिंग जो होती है वैसे बहुत जगह वॉक कुकिंग होती है। अब वॉक कुकिंग है क्या देखिए एक ऐसा बर्तन जो थोड़ा खुला है यानी ओपन माउथ वेसल होता है ये वॉक और उसमें खाना बड़ी जल्दी बनाया जाता है तेज आंच पर बनाया जाता है और एक तरह से स्टर फ्राई ज़्यादा उसमें बनाया जाता है। तो ये जो प्याज है ये अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है अब इसके अंदर एक मीठी चीज चीनी और वो भी देखिए कितनी ढेर सारी चीनी क्या करें रेसिपी ऐसी है ये। उसके साथ साथ डार्क सोया सॉस ये दोनों चीजें डालकर इसे मेल्ट कर लेते हैं चीनी को और इसमें डालेंगे नमक। नमक ज्यादा नहीं सिर्फ स्वाद अनुसार और ये भी ध्यान रखें कि डार्क सोया सॉस में भी काफी नमक है। और अब आलू का क्या हाल है ये जो आलू है ये पक गया है या नहीं पक गया है अरे वाह कितनी आसानी से ये देखिए तो इसका मतलब है कि अब आलू इसमें से हम निकाल सकते हैं और फ्रॉम वन वॉक टू द अदर वॉक एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में ये हो गया। अब ढेर सारी फ्रेश चिलीज और इसे कुछ देर तक पकाना है ताकि ये ड्राई हो जाए। एक काम करता हूं मैं इसे मैं जरा तेज आंच पे पकाता हूं तेल हटाया ये और क्योंकि वॉक कुकिंग है तो तेज आंच पे ये लीजिए और बस इसे सुखा के इसे परोसें गर्मा गर्म। लेकिन अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इंडोनेशियन पोटेटोज इसके लिए हमें चाहिए चार आलू कटे हुए एक बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल तीन हरी प्याज स्लाइस की हुई डेढ़ बड़ा चम्मच चीनी दो बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस नमक स्वाद अनुसार और दो ताजी लाल मिर्चें स्लाइस की हुई। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें आलू को डालकर तल कर निकाल लें। अब एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटी हुई हरी प्याज डालकर भूनें। अब इसमें चीनी डार्क सोया सॉस और नमक डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें तले हुए आलू और ताजी लाल मिर्चें डालकर मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म परोसें।